प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया का भरोसा फिर से बहाल हुआ है और देश के साथ वैश्विक भागीदारी नए स्तर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के पश्चिमोत्तर शहर तलाई मन्नार में रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। तलाई मन्नार भारत से सबसे करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरा की यात्रा की और क्षेत्र में भारत के बहुत संबंध दर्शाते हुए पवित्र महाबोधि वृक्ष की पूजा अर्चना की। राहुल गांधी के घर और दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी की जासूसी करा रही है। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 घंटे का सत्याग्रह और उपवास पटना के जेडीयू हेड ऑफिस में शुरू किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहेगी। वैश्विक बाजारों में कीमतों में नरमी आने के बाद सरकार ने सोने पर आयात शुल्क घटाकर $375 प्रति 10 ग्राम और चांदी पर इसे घटाकर $512 प्रति ग्राम कर दिया है। भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि वर्ल्ड कप में लीग विनर कैंपेनिंग की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि टीम ने दबाव का बखूबी सामना किया जिससे नॉकआउट की तैयारी पुख्ता हुई। आमिर खान 50 साल के हो गए हैं और इस मौके पर उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ केक काट कर जश्न मनाया। आमिर का कहना है कि वो खुद को 20-25 साल के नौजवान के तौर पर महसूस करते हैं। पाकिस्तान की कोर्ट ने भारत की नाराजगी को दरकिनार करते हुए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की हिरासत पर आदेश निलंबित करते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।